राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अष्टमी नवमी पर आपको किस तरह से पूजा करनी है, यानी नवरात्रि के आखिरी दिन पूजा किस प्रकार की जाती है। तो आपको भोग में काले चने, हलवा और पूड़ी बनानी है। मैंने यहाँ पे काले चने नहीं बनाए थे क्योंकि आज अष्टमी नहीं है। इसके बाद जो है ना, पूजन की शुरुआत कैसे की जाती है, कैसे आपको पूजन करना चाहिए, संपूर्ण विधि आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, एक फूल लेना है और सभी देवी देवताओं का मन में जो है ना ध्यान करना है। ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और हाँ, अपनी कुल देवी के नाम का आप ध्यान जरूर करें। ध्यान करने के बाद फूल और चावल भगवान पर अर्पित कर दें। इसके बाद किया जाता है दसों दिशाओं का पूजन। तो इस तरह से जो है ना, आपको दसों दिशाओं में अक्षत यानी चावल अर्पित करने हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते तो दसों दिशाओं में इस तरह से आपको चावल चढ़ाने हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, मंत्र सहित मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। इसके बाद भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो हमने एक स्टील की प्लेट ली है। आपके पास अगर कांसे की प्लेट है तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके पास कांसे का बर्तन नहीं होता वो स्टील का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टील की ही प्लेट ली है। इसमें मैया का कोई भी आप मंत्र बना दीजिए, यंत्र बना दीजिए, सॉरी मंत्र लिख सकते हैं, यंत्र बना दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए। सबसे पहले पूजन किया जाता है पंचभूत पूजन, यानी पंच तत्वों का पूजन किया जाता है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, इन सबका, वायु का पूजन आपको करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमने पृथ्वी का पूजन किया है, इसके बाद जल का पूजन करेंगे, उसके बाद दीपक का पूजन, इसके बाद शंख का, उसके बाद घंटे का आपको पूजन करना है। तो ये पांच पूजन बहुत ज़रूरी होते हैं जब आप विस्तृत रूप से पूजा करना चाहते हैं, संपूर्ण पूजा विधि आप अपनाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो हमने यहाँ पर शंख का और घंटे का भी पूजन कर दिया। घंटे का जब आप पूजन करें तो उसको बजाएं जरूर। शंख को अगर आपको बजाना आता है तो जरूर बजाएं, बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे गौरी गणेश का, कलश का, नवग्रह का, षोड़श मात्र का, सप्तग्रत मात्र का, मतलब कि पंचांग पीठ का, सबके सबका जो है ना, हम यहाँ पर साथ में ही पूजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा थोड़ा सरल सा देखे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बना दोगे तो आप लोग थोड़े से घबरा जाओगे। सबको जो है ना साथ में आप इस तरह से स्नान करवाएं। गौरी गणेश को भी आपको साथ में ही जो है ना इस तरह से चार बार आपको शुद्ध जल चढ़ाना है, जैसे कि हम लोग वीडियो में दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद आपको पंचामृत लेना है, एक बार इसी सेम विधि से आपको पंचामृत घुमाना है। उसके बाद आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है, इसे कहते हैं स्नान करवाना। जब भाव का आप स्नान कराते हैं तो सेम इसी विधि का आपको प्रयोग करना है। इसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, तो कलश पर, गौरी गणेश पर, नवग्रह पर, षोड़श मात्र का, सप्तग्रत मात्र का। तो अगर आपने बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं बनाई तो कलश पर, गौरी गणेश पर और नवग्रह पर आप कलावर रूपी वस्त्र अर्पित जरूर करें। बस जनेऊ चढ़ा दें, फूल माला चढ़ा दें। अगर माला अगर आपके पास नहीं है तो केले आप फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने फूल माला चढ़ा दी है। इसके बाद आपको इत्र लगाना है। तो इत्र जो है ना, अगर आप इस तरह से रुई में लगाकर लगाते हैं तो जाना सही रहता है, बहुत अच्छी खुशबू जो है ना आपकी पूजा में आती है। इसके बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, अगर कोई सूती टॉवल है तो आप उसे ले लीजिए। हल्का सा उसमें पानी डालकर जो है ना, आपने तस्वीर रखी है तो अच्छे से आप तस्वीर पोंछ दीजिए, मैया की यानी माँ दुर्गा की तस्वीर का। अच्छे से आपको गीले कपड़े से साफ करना है ताकि पिछले दिन का जो उनका श्रृंगार है, जो आपने रोली से टीका वगैरह किया है, वो निकल जाएगा और फिर नए आप उनका जो है ना श्रृंगार कर सकते हैं। माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आपको गीला कपड़ा फेरना है, उनके चरण भी अच्छे से पहुँचने हैं, शेर का मुख अच्छे से पहुँचना है। इसके बाद जो है ना उनको स्नान करवाया जाता है। तो चार बार जो है ना इस तरह से आपको जल घुमाना है। पहला जल इसलिए घुमाया जाता है पैर धुलाने के लिए, फिर हाथ धुलाने के लिए, फिर स्नान करवाने के लिए, फिर जल पिलाने के लिए। उसके बाद हमने एक बार पंचामृत घुमाकर फिर शुद्ध जल स्नान करवाया है। इसके बाद कलावर रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। अगर आप नई चुन्नी लेकर आए हैं अष्टमी के लिए तो उनको नई चुन्नी उठा दें, माथे पे तिलक कर दें, चावल चढ़ा दें, शेर का पूजन कर दें और हाँ, मैया के चरणों का पूजन जरूर करें। चरणों में कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, तो उनके चरणों का पूजन आपको जरूर करना है। इसके बाद इस तरह से फूल माला अर्पित करना है। तो हमने मैया को यहाँ पे फूल माला चढ़ा दी है।
उसके बाद अगर आपने जवारे बोए हैं तो जवारों का भी आपको पूजन करना है। एक फूल में रोली चावल लगाकर आपको जवारों का पूजन करना है। और मैंने आपको पत्तल पर जवारे बोकर दिखाए थे, तो आप लोग दृश्य देख सकते हैं कि बहुत अच्छे जवारे हुए हैं। कलश भी जो है ना पूरा जवारों से ढक गया है। तो मैं जो आपको तरीका बताती हूँ वो एकदम प्रैक्टिकल वाला तरीका होता है, आपके लिए कभी व्यर्थ नहीं जाएगा वो तरीका। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि बहुत अच्छे जवारे उगे हैं, और जो भी हमने किया था आपके साथ सेम वही विधि जो है ना शेयर की है। इसके बाद अगर आपने नींबू चढ़ाया है तो इस तरह से नींबू भी जो है ना आप चेंज कर दें। अष्टमी और नवमी जो है ना इस बार एक ही दिन है, तो उस हिसाब से जो है ना आपको पूजन करना है। इसके बाद जो है ना पान का पत्ता आपको चढ़ाना है। पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बतासे, मिश्री और किशमिश लगाकर जो है ना मैया का भोग लगाया जाता है। 5 तरह के फल हमने यहाँ पे ले लिए हैं। 5 तो नहीं थे मेरे पास, केवल 4 ही फल थे, तो आप हो सके तो 5 तरह का फल जो है ना चढ़ा दें। बाद में इसे जो है ना प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें, अपने पूरे परिवार में बांट दें। तो इस तरह से जो है ना फल का हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है। नवमी और अष्टमी के दिन जो है ना, जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है उस दिन अष्टमी के दिन, जिनके यहाँ नवमी पूजती है नवमी के दिन काले चने हलवा पूड़ी बनाई जाती है। आज मैंने काले चने तो नहीं बनाए हैं क्योंकि आज ना ही अष्टमी है और ना ही आज नवमी है, तो काले चने का भोग मैं अष्टमी और नवमी पर ही लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे हलवा पूड़ी का भोग लगाया है। इसके बाद जल का आचमन करवाया है, क्योंकि भोजन के बाद जल जरूर पिलाया जाता है, तो इस तरह से जल का आचमन करवा दें। इसके बाद सुहाग का सामान आपको जरूर चढ़ाना है। अगर आपने पहले दिन चढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चढ़ा पाए हैं तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप मैया को सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं। हो सके तो बांस की डलिया में लेकर चढ़ाएं। मेरे पास अब समय उपलब्ध नहीं थी इसलिए मैंने सिंपल सा जो सुहाग पिटारा आता है वो मैया को इस तरह से चढ़ा रही हूँ। वरना आप साड़ी ब्लाउज जो देखिए जिसकी जैसी स्थिति है उस हिसाब से मैया को वस्त्र और सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करें। और वास्तव में उस वस्त्र और सुहाग के सामान को आप किसी भी अपने मानधान को या किसी ब्राह्मण को जो है ना दान कर किया जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जितना आप सुहाग का सामान दान करते हैं उतनी ही आपकी सुहाग की आयु जो है ना बढ़ती है, क्योंकि दान से वृद्धि होती है। उसके बाद अष्टमी या नवमी जो भी आपके दिन यहाँ पर पुजती है उस दिन आप हवन जरूर करें। हवन का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप विशेष आहुति देना चाहते हैं तो उसकी आप वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देखिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस आहुति को अगर आप देते हैं तो मैया उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद हलवे का जो है ना आपको अग्नि में भोग लगाना है। नमक वाली चीजों का भोग अग्नि में नहीं लगता है, तो आप चना और पूड़ी का भोग ना लगाएं। इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद की जाती है पुष्पांजलि। और बस वीडियो का यही एंड करूंगी, मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।